दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों स्वागत है आपका एक्स मनाना यूट्यूब चैनल में और आज के इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं रेडमी नोट 8। ये मोबाइल एक कस्टमर के पास था और वो अनलॉक नहीं कर पा रहा था, मेरा सब्सक्राइबर था वो, ठीक है। उन्होंने मुझे कॉल किया कि मेरे पास बिल्कुल बॉक्स है, मैं अनलॉक नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैंने उसे यहाँ से अनलॉक करके दिया और मैंने उसका वीडियो जो है रिकॉर्ड कर लिया। चलिए आपको दिखाते हैं किस तरह से मैंने इस मोबाइल को अनलॉक किया। सबसे पहले आपको मेडिकल टूल ओपन करना है। जब आपका मेडिकल टूल ओपन हो जाएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको डिवाइस मैनेजर ओपन करना है, ठीक है। तो डिवाइस मैनेजर किस तरह से ओपन करेंगे, तो डिवाइस मैनेजर ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे ओपन डिवाइस मैनेजर पर क्लिक कर देना है। डिवाइस मैनेजर ओपन हो जाएगा और ये हम ओपन इसलिए करते हैं ताकि हम कोई भी मोबाइल को लगाते हैं तो यहाँ पर मोबाइल शो करता है, ठीक है। चाहे वो मीडियाटेक रहे या क्वालकॉम रहे, कोई भी रहे, तो मोबाइल यहाँ पर शो करेगा। तो चलिए अब ईडियल मोड में लगाएगा ये मोबाइल कस्टमर और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे। जब ईडियल मोड आ जाएगा तो फिर आगे का प्रोसेस हम शुरू करेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ईडियल मोड जो है यहाँ पे आ चुका है। क्वालकॉम 9008 पोर्ट जो है यहाँ पे बन चुका है, ये पोर्ट बन चुका है। चलिए अब शुरू करते हैं। और सबसे पहले करना क्या है आपको, टूल में यहाँ पे क्वालकॉम इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पोर्ट पे स्कैन करना है, पोर्ट पे क्लिक करना है। आ गया यहाँ पे 9008 पोर्ट। उसके बाद आप यहाँ पे देखते हैं यूनिवर्सल है, तो यूनिवर्सल को यूनिवर्सल में ही रहने दें। यहाँ पे शाओमी सेलेक्ट नहीं करना है आपको। उसके बाद यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पे क्लिक करना है, एक्स्ट्रा पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो पोर्ट जो सेलेक्ट करना है यहाँ पे, तो मेथड जो सिलेक्ट करना है तो वो आपको शाओमी मेथड सेलेक्ट करना है, ठीक है। यूनिवर्सल शाओमी मेथड सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर आपके मोबाइल में अगर FRP है यानी गूगल अकाउंट है तो आप जो है यहाँ पे रिमूव अकाउंट लॉक अदर इस पर चेक लगा करके जो है इसे अनलॉक कर सकते हैं। गूगल अकाउंट यहाँ से निकलेगा, MI अकाउंट यहाँ से नहीं निकलेगा, ठीक है। बट अगर आपको MI अकाउंट निकालना है तो आप यहाँ पे MI अकाउंट इस पर चेक लगाएं, उसके बाद स्टार्ट पर क्लिक करना है। सिंपली जैसे आप स्टार्ट पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली कुछ ही देर में ये मोबाइल को जो यहाँ से अनलॉक कर देगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है और कुछ ही देर में ये मोबाइल जो है अनलॉक हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।